अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हमारा किचन। तो आज मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पे जा रही हूँ, उसने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं ये वाला ड्रेस पहनने लगी हूँ। ठंड बहुत है तो ये वेलवेट का फ्रॉक है, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। मैंने कहा चलें ये पहन लेते हैं। ये इसके स्लीव्स, और ये इसकी कैपरी है। साथ में मैंने शॉल ले ली थी स्टॉल करके। ये मैंने शूज़ पहन लिए और चलते हैं। हम पहुंच गए हैं उनके घर, तो केक तो वैसे कट कर लिया है हमने। मैंने कहा चलें आप लोगों को थोड़ी सी डेकोरेशन अगेन दिखा देते हैं। अल्लाह ताला इसे सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, दिल की हर नेक ख्वाहिश पूरी हो इसकी। इसके लिए हम दुआ कर देते हैं, आप सब आमीन कह दीजिएगा। इनके इनके बाबा भी नहीं हैं और इसका कोई भाई भी नहीं है, इसलिए वो काज का इसने भाई बनाया हुआ है, तो बस हमें ही बुलाया था। चलें बाद में खाना खा लिया, ये चिकन पुलाव था। फिर ये मेरे साथ मेरी मम्मा लोगों के घर चले गए हमारे गांव में, तो ये चाय पी हमने, रात का टाइम हो गया था। फिर डैडी ने फ़िश मंगवाई हुई थी, तो कास का वेट कर रहे थे कि वो कास बनाए, क्योंकि वो फ़िश बहुत अच्छी बनाते हैं। ये देखो एक बड़े चाय कुंडे में लहसुन अदरक और सुरख मिर्च का पेस्ट बना के फ़िश धो के उसके ऊपर लगा दिए। उधर माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं ना, फिर 1-2 किलो से तो गुजारा नहीं होता, 4-5 किलो चीज़ हो तो फिर ही सही रहती है। ये फ़िश मसाला है, इसके अंदर कुछ और कास ने भी एडिशन किया है मसालों की, जैसे गरम मसाला, चाट मसाला, इस तरह। चलें जी, मसाले को अच्छी तरीके से फ़िश पे लगा दिया है। इसको तकरीबन इन्होंने आधे घंटे के लिए रखा था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, टाइम भी थोड़ा था। मैरिनेट किया था इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद बेसन में थोड़ी सी यही पिसी हुई सुरख मिर्च और नमक डाल के इसके ऊपर कोटिंग की थी, यानी कि पकौड़ा टाइप बना दी थी। तो ये फ्राई कर रहे हैं। ये लें जी, आ जाइए आप लोग भी, फिश रेडी है, बहुत मज़े की बनी थी। फिर रात का टाइम था, सारे कहते कि हम कोई गेम खेलते हैं, तो फिर ठंड थी इसलिए पर्चियां ही खेल रहे थे सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे। ये चांद भाई देख रहे हैं, काश की पर्ची देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। वो सामने जोनी है, उसने अपनी पर्चियाँ दिखा दी हैं। इधर मारिया बैठी हुई है, जो मेरी दोस्त, वो भी हमारे साथ गए थे ना, वो और उसकी मम्मा, तो ये छुपा के बैठी हुई है। मैंने कहा चलो दिखाओ तो सही। दिसंबर नाम है जिसका, वो महीना हादसों का। अच्छा वकास, बताएं जो हमने आज गेम खेली सबसे ज्यादा किसके नंबर है? ऑफ कोर्स मेरी बेगम के नंबर। अच्छा जज साहब बताएं। जज? हाँ जी बिल्कुल। जज हार चुका है। आपने नंबर अकाउंट किए, सबसे ज्यादा किसके नंबर है? सबसे ज्यादा नंबर हमारा के हैं 950। यस, सेकंड नंबर पे है एहसान साहब। अच्छा, चौथे नंबर पे मैं, मेरे 475 नंबर हैं। मैं चोर ज्यादा बना हूँ,
50 नंबर जो मुझे वजीर के मिले हैं वो ही मिले हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं। चलो जी बहुत अच्छा हो गया। और पर्ची बस बिल्कुल मेरे स्वभाव के अहम मुताबिक मिलती रही। चलें जी, रात को हमने बहुत चिल किया, बहुत इंजॉय किया। तो सुबह हम लोग मूलियों के पराठे बनाए हम लोगों ने, तो विकास भी आ गए किचन में, कहते कि लाए मुझे दें। ये भी बैठ गए साथ में। फिर हमने नाश्ता किया, मूली के पराठे थे, साथ में साग भी तड़का था, लेकिन विकास ने प्याज कच्चे रख के खुद बनवाया था मम्मा से कह के, अचार था और ये चाय। फिर आ गए हम पप्पो के घर जा रहे हैं, वो पास ही है हमारे घर के, तो रास्ते में ये हॉस्पिटल आता है, तो हॉस्पिटल में ये मस्जिद है जो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा देख के कि ये फैसल मस्जिद का थोड़ा सा नक्शा है, मतलब छोटी बनाई हुई है काफ़ी पुरानी, बहुत देर की है ये, लेकिन नक्शा थोड़ा 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 उसका वो मतलब ऐसे ही दो मीनार उसके तो खैर जार हैं। ये सारा हॉस्पिटल का एरिया है। ये हम जा रहे थे तो दरवाज़ा खुला था, तो सारे इधर इंटर हो गए हम। सच्ची में बहुत इंजॉय किया, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, और काफ़ी मज़ा आया उधर भी। ये जा रहे हैं पप्पो के घर, ये सामने कोने पे ही घर है। ये मुरब्बा शुरू हो जाता है डैडी लोगों का। ये ऑरेंज गार्डन है, तो माल्टे लगाए हुए हैं डैडी ने, ये बाग टाइप एक बनाया है। फिर हम लोगों ने चाय पी उधर जिया के घर से, हम पप्पो को जिया कहते हैं। हमारी पप्पो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हैं। दो ही थी बेचारी, एक की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और ये दूसरी हैं। फिर हम लोग मुरब्बे आ गए, हम लोगों ने जो चिल किया है फिर क्या बताएं। ये सारे सब्जियां वगैरह हैं, मूंगरे हैं सारे। इसके साथ ही एक बड़ा सारा प्लाट बनाया है, ये देखें, यहाँ पे फ़िश फार्म बनाना है डैडी लोगों ने, बस थोड़े ही एक दो मंथ तक इंशाल्लाह। ये आंटी मारिया की मम्मा मूंगरी तोड़ रही थी अपने लिए। यहाँ पे कुछ और पौधे लगाए हैं चीकू वगैरह के, तो कवर किया हुआ उनको, पता नहीं क्यों, शायद बेचारों को ठंड लगती हो। मौसम देखें कितना ज़बरदस्त है।
तो चलें जी, अब हम वापस जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये यूनियन काउंसिल था, और मेरे चैनल अमाराज किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरे पप्पो के बेटे के साथ, वो आंटी उनसे चला नहीं जा रहा था, वो उनके साथ जा रही हैं। तो हम, ये हमारे स्कूल एरिया था सारा, ये कॉलेज है हमारे गांव में। तो ठीक है, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल अमाराज किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन।